हाय एवरीवन, मैं आरजे ब्रसून और आप देख रहे हैं शो टाइम विद आरजे ब्रसून। 90s की वो एक्ट्रेसेस जिनकी फिल्मों को अब देख करके आपको ये लगता है कि क्या ही काम किया था इन्होंने, लेकिन अब ये जो कर रही हैं वो एकदम अलग लेवल का है। काम, एक्टिंग, सब कुछ। डेब्यू हो रहा है इनका ओटीटी पे और इनके एक्टिंग करियर का सेकेंड फेज आप इसे कह सकते हैं। बात काजोल की हो, तब्बू की हो, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, ये सब ओटीटी पे अपना डेब्यू कर चुकी हैं। रवीना टंडन इनफैक्ट। पर आज बात सोनाली बेंद्रे की और ओटीटी पर हो रहे उनके डेब्यू वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज की। Z5 पर ये आ चुका है और वापसी हुई है सोनाली बेंद्रे की कैंसर को हराने के बाद आपका दिल जीतने वापस आ चुकी है। पहला कोलैबोरेशन Z5 का और BBC का, क्योंकि द ब्रोकन न्यूज को अडॉप्ट किया गया है BBC के सीरीज प्रेस से। प्रेस को 6 अलग अलग सीजन के लिए बनाया गया था और ये कहानी थी दो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के राइवलरी की और उनके सीनियर एम्प्लॉयज की। बट समहाउ BBC 1 पे इसे 2018 में जब एक बार ऑन एयर किया गया उसके बाद इसे रोकना पड़ गया था। इसी का हिंदी अडॉप्शन है द ब्रोकन न्यूज। दो न्यूज चैनल्स आवाज भारती और जोश 24/7 के रावलरी की कहानी है और इनके सीनियर एम्प्लॉयज की बातें हैं। जोश 24/7 जिसे हेड करते हैं इस सीरीज में जयदीप अहलावत, दीपांकर सान्याल के कैरेक्टर में, और आवाज भारती को लीड करती हैं सोनाली बेंद्रे, और सोनाली बेंद्रे के साथ होती हैं राधा भार्गव इनके रिपोर्टर के तौर पर, और ये है श्रेया पिलगांवकर। इंद्रनील सेन गुप्ता भी इसमें इनके साथ नजर आते हैं और इंद्रनील को अगर आपको याद हो तो मिलन दामजी के कैरेक्टर में आपने देखा था फिल्म थी कहानी विद्या बालन के साथ। इसके अलावा ये ब्लडी ब्रदर्स, अरण्यक और द गॉन गेम में भी काम कर चुके हैं। ये वेब सीरीज है और द गॉन गेम में श्रेया पिलगांवकर भी थी इनके साथ। मिर्जापुर की स्वीटी गुप्ता गुड्डू भैया के साथ है, आपने देखा ही है। सो इसके अलावा इनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था, फिल्म थी फैन और शाहरुख खान के साथ डेब्यू हुआ था। श्रेया वेब सीरीज द गॉन गेम, क्रैकडाउन, मिर्जापुर और गिल्टी माइंड्स में काम कर चुकी हैं और एक्टिंग इनके खून में है। ये बेटी है जाने माने एक्टर्स सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर की। जयदीप अहलावत, पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में होने के बाद भी अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनको इनका मेहनताना मिल रहा है। स्पेशली जब इन्होंने हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया, वेब सीरीज अमेजॉन पे आई थी पाताल लोक, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शी में भी रही। वरना इसके पहले जयदीप रॉक स्टार में भी नजर आ चुके थे, अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा में भी नजर आ चुके थे, लेकिन इनकी जिंदगी बदली शाहिद खान के रोल से गैंग्स ऑफ वासेपुर। वरना ये कमांडो, गब्बर इज बैक और रईस जैसी फिल्मों में भी थे। अब तक बार्ड ऑफ ब्लड, ब्लडी ब्रदर्स और लस्ट स्टोरीज जैसी वेब सीरीज में आप इन्हें देख चुके हैं। लस्ट स्टोरी में मनीषा कोइराला के साथ फ्रेम शेयर किया है इन्होंने। और इस वेब सीरीज में सबकी नजरें जिसके ऊपर टिकी हुई हैं, स्पेशली मेरी, वो है सोनाली बेंद्रे। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सारे लैंग्वेजेस की फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं। आपको याद होगी फिल्म इंद्रा द टाइगर चिरंजीवी की, इसमें भी लीड कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने। और 90s के जितने बेहतरीन गाने हैं इन्हीं पे तो पिक्चराइज है इस दीवाने लड़के को सरफरोश मूवी, याद आया। सो वापसी इनकी हुई है उसी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ कैंसर को हराने के बाद और उसी पावरफुल एटीट्यूड के साथ। इनकी फिल्मों के अगर नाम आप मिस कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, सरफरोश, दिल चले, मेजर साहब और गोविंदा के साथ इन्होंने की थी जिस देश में गंगा रहता है। और इस फिल्म के गाने भैया 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 मुझे आता नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूं। और इसके बाद इन्होंने एक ब्रेक लिया, फिर नजर आई रियलिटी शो में ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद और फिल्म का प्रमोशन था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। मुमताज का कैरेक्टर प्ले कर रही थी ये और उसके बाद अब नजर आई है द ब्रोकन न्यूज में। 8 एपिसोड्स का पहला सीजन है और मैंने इसे सिर्फ देखा है सोनाली बेंद्रे के लिए, जयदीप अहलावत के लिए, श्रेया पिलगांवकर के लिए, क्योंकि तीनों ने बेहतरीन काम किया है और बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगे हैं उस न्यूज रूम के प्रेशर के बीच में। देखिए
और ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो में कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू।